Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो सबसे पहले तो congratulations, बहुत ही अच्छा song है। Thank you so much. Thank you. क्या कहना चाहेंगे? Out हो चुका है song already और काफी excitement थी, आप दोनों में dance भी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? Love me, love me, love me baby सारी सारी रात। ये गाना ही बहुत कुछ बोलता है अपने आप में और बहुत ही beautifully गाया है इसको Meet Brothers ने और खुशबू ग्रेवाल ने और बहुत ही beautifully perform करा है इसमें हम दोनों ने भी। तो डेफिनेटली ये गाना आई थिंक एक्साइटेड थे बिकॉज आई थिंक हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और वो भी साथ में है तो एक्साइटेड क्यों नहीं होंगे। और ये सब कुछ हमारे फैंस की वजह से है बिकॉज वो ही काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि हम एक प्रोजेक्ट साथ में करें तो इसलिए हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट इट्स अ बिग वन फॉर अस। हमने बहुत नेम लोगों के साथ काम किया है मीट ब्रदर्स जो इंडस्ट्री में 15-20 साल से हैं, खुशबू ग्रेवाल और विष्णु देवा सर ने इसको डायरेक्ट किया है जो आज तक सनी लियोनी कैटरीना कैफ के सॉन्ग्स डायरेक्ट करते हुए आए हैं। आई थिंक इसीलिए शायद आउटकम इतना अच्छा आया है और बहुत खुश है। लेट्स सी अब आप लोगों को कितना पसंद आता है। मैं बहुत सारे में बिलीव नहीं करता मैं, पर क्वालिटी में बहुत बिलीव करता हूँ, इसलिए डेफिनेटली क्वालिटी मीट ब्रदर्स से अच्छी कौन दे सकता है। एंड दे आर द कूलेस्ट ब्रोस इन द इंडस्ट्री सो व्हाई नॉट वर्क विद द कूलेस्ट। अच्छा, टीजर जब देखा था तो सॉन्ग को लेकर के एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी बोल्डनेस के मामले में, लेकिन उस लेवल का नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे कुछ मतलब आप लोगों की कंफर्ट देखकर ये सब डिसाइड हुआ? एक्चुअली हिंट आप लोगों को ऐसा ही देना चाहिए ताकि आप सोचे कुछ और आउटकम आए कुछ और, इसलिए हमने हिंट ऐसा ही निकाला, इसलिए टीजर ऐसा ही निकाला कि लोगों के माइंड में होगा अरे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन नो लेट मी हेल्प यू विद दिस देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेंशुअल एंड वल्गर। तो ये सेंशुअल गाना है, ये वल्गर गाना नहीं है, तो अगर कोई वल्गर एक्सपेक्ट कर रहा है तो सॉरी वो हम नहीं डिलीवर कर सकते, बट डेफिनेटली इट इज़ इनफ सेंशुअल एंड इट इज़ अ सेक्सी नंबर। अच्छा, इट्स गोना बी द पार्टी एंथम ऑफ द ईयर। यस, कहीं ना कहीं ये भी सुना गया था कि कुछ सरप्राइज है जो आप फैंस के लिए और मीडिया के लिए भी रखने वाले हैं, वो क्या है रिवील कर दीजिए। सरप्राइज़ ये है कि हम बहुत ही जल्द दोबारा एक साथ एक नए प्रोजेक्ट में आने वाले हैं और ऑलरेडी शूट हो चुका है एंड हो सकता है थोड़े टाइम में वो भी आउट हो जाए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है पर बहुत विजिबल रहेगा और आप सब उसको 1 मिनट में कैच कर लेंगे, पर डेफिनेटली हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं तो अभी ये नहीं हम एकदम ब्रांड्स और ये सब रिवील कर सकते, पर डेफिनेटली दोनों का साथ में ही एक प्रोजेक्ट दोबारा है और ये भी अगेन फैंस की वजह से है बिकॉज हमारी साथ में इतनी डिमांड है कि हम साथ में ही आना चाहते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है यू नो एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, वो म्यूज़िक वीडियो या इससे रिलेटेड नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, सो आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आएगी। इट्स वेरी क्यूट स्टोरी, उसमें भी मैं बंदगी के पीछे पीछे भाग रहा हूँ। ओके, अपने लुक को लेकर के अगर कुछ कहना चाहे, कॉम्प्लीमेंट भी काफ़ी कुछ मिला, सलमान को टक्कर देने वाले आपको ऐसा लग रहा है? देखो, सलमान भाई को टक्कर देने के लिए तो मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, आई लव हिम टू द कोर, वो मेरे भाई हैं